अब हम लोग देखेंगे एप्टीट्यूड का समझो नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें है कि हम लोग के पास यूनिट डिजिट बताना है। अब जैसे कि यूनिट डिजिट है, कोई भी अगर तुमको है ना उसका यूनिट डिजिट पावर के फॉर्म में, अगर कोई किसी के पावर में अगर कुछ दिया हुआ है ना, किसी के पावर में कुछ दिया हुआ है उसका यूनिट डिजिट बताना है, तो उसके लिए क्या रूल है? तो हम लोग के पास जो है ना ये मालूम होना चाहिए ना कि 2 का जो है ना कब साइकिल रिपीट होता है। यूनिट डिजिट के लिए ना हम लोग के पास ये जो रूल है, ये रूल्स हम लोग को मालूम होने चाहिए। और ये जो है ना बहुत सिंपल सा रूल है, जैसे कि है ना ये जो है क्या है, हम लोग के पास 2 का पावर 1, 2 यूनिट डिजिट क्या है, तो 2। 2 का पावर 2, 4 यूनिट डिजिट क्या है, 4। 2 का पावर 3, 8, तो 8 में यूनिट डिजिट क्या है, तो 8। फिर 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 होता क्या है, 16। 16 में यूनिट डिजिट क्या है, 6, वही हम लोग यहाँ लिखे हैं। फिर 2 का पावर 5 क्या होता है, 32। 32 में यूनिट डिजिट क्या है, तो 2, ये 2। अब ये जो है ना बाकी वो वापस रिपीट करेगा, ये जो 2 यहाँ आया ना यही बार बार रिपीट करेगा। अब जो है ना 2 का पावर 6 अगर करें तो 64, तो 4 यही देखो यहाँ रिपीट कर रहा है। 2 का पावर 7 अगर करें तो 128, ये 8 यही जो है ना यहाँ रिपीट कर रहा है। 2 का पावर में अगर 8 करें तो 256, तो यही जो 6 है फिर से रिपीट कर रहा है। तो ये जो है ना हर 4 के बाद वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, मतलब 1 2 3 4 के लिए है, अब बाकी सब के लिए रिपीट कर रहा है। यही सेम चीज 3 में भी हो रहा है, 3 के पावर में 1 3, 3 के पावर में 2 तो 9, 3 के पावर में 3 तो 27, 27 का यूनिट डिजिट 7, 3 के पावर में 4 यानी कि 81, 81 का जो यूनिट डिजिट है वो 1। फिर उसके बाद 5 में क्या होगा, तो 243 जो रिपीट हो रहा है, बाद से फिर से वापस से रिपीट हो रहा है। ऐसे ही 7 में हो रहा है, 7 1 7 के पावर में 1, तो 7, 7 स्क्वायर 49, तो ये हम लोग के पास 9। उसके बाद 7 क्यूब में तो 343, तो ये रिपीट हो रहा है। फिर 7 4 में जो वैल्यू होगा उसका यूनिट डिजिट 1, तो इससे फिर वापस जो मतलब यहाँ पे फिर से 7 आएगा, तो यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इसमें ना 7 में भी क्या हो रहा है, तो हर 4 के बाद वो रिपीट हो रहा है। 8 में भी क्या हो रहा है, तो 8 के पावर में 1, तो 8, 8 के पावर में 2 64, तो रिपीट हो रहा है, मतलब 4 यहाँ पे यूनिट डिजिट 4। फिर 8 के पावर में 3, 512, तो 512 का ये 2 आ गया यूनिट डिजिट। और 8 के पावर में 3 में जो आएगा उसका यूनिट डिजिट इसका 6 है। फिर उसके बाद 5 में फिर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीट कब हो रहा है, तो एवरी जितना भी 4 है ना हर 4 में रिपीट हो रहा है। तो जब भी अगर हम लोग के पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन अगर कुछ भी हो, जैसे कि 127 ही है, 127 के पावर में कुछ भी वैल्यू हो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू, जैसे कि 1001 ही ले लो, 1001 ले लो, तो जो भी वैल्यू है हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो पावर है इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हम लोग बस ये चेक करेंगे ना कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बस हम लोग को रिमाइंडर चेक करना है। तो 250 जाए यहाँ पे 1000 होता है, तो रिमाइंडर यहाँ 1 हो रहा है। तो ये जो 1 रिमाइंडर है ना, तो इस 1 रिमाइंडर के बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे, यानी कि यहाँ पे 7 था, 7 में 1 रिमाइंडर आया, यानी कि 7 के पावर में 1, तो क्या होगा यहाँ पे 7, तो ये हम लोग के पास 7 हमारा इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है ना उसके पावर में करते हैं। अब जैसे कि रिमाइंडर अगर 4 से अगर डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 आ सकता है। तो 1 2 3 में तो यही हो गया कि 1 अगर आया रिमाइंडर तो 7 के पावर में 1, 2 आया तो 7 के पावर में 2 का यूनिट डिजिट, फिर 3 आया तो 7 के पावर में 3 का यूनिट डिजिट। अब ये जो है ना 7 के पावर में 4 है, तो वही 4 जो है ना ये हमारा 0 है। 7 के पावर में 4 में क्या मतलब है कि 4 मॉडुलो 4 क्या होता है, 4 मॉडुलो 4 0, वही वैल्यू जो है ना वही हमारा, जैसे ही अगर 0 अगर रिमाइंडर है, 0 रिमाइंडर का मतलब यही है ना कि 7 के पावर में 4 का बात हो रहा है, 0 का मतलब ही है 4। तो इसमें अगर जब 0 रिमाइंडर आता तो क्या होता, 1, ये हम लोग के पास ये हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये था समझो 2 3 7 8 के लिए, कि अगर यूनिट डिजिट अगर इससे अगर खत्म हो रहा है, जैसे कि इसमें क्या था 7 से खत्म हो रहा था, इसीलिए हम लोग क्या किए, 4 से डिवाइड करके चेक कर लिए जो रिमाइंडर आया, इसमें 1 रिमाइंडर आया, यानी कि 7 पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या है, 7, तो ये हमारा 7 आंसर हो गया। यही था समझो 2 3 7 8 के लिए। अब यही चीज जो है ना हम लोग के पास 4 और 9 के लिए क्या होता है, तो 2 में रिपीट करता है। इसमें क्या हो रहा था, इसमें हम लोग के पास हर 4 पे रिपीट कर रहा था, 4 और 9 में क्या हो रहा है, तो हर 2 पे रिपीट कर रहा है। 4 के पावर में 1, 4, 4 के पावर में 2, 16, तो 16 का 6, फिर उसके बाद 4 का पावर 3, तो 64, ये फिर से रिपीट कर रहा है। तो
तो ये हम लोग के पास क्या होगा, ये हर दो पे रिपीट कर रहा है। और नाइन में भी क्या होता है, नाइन में भी नाइन के पावर वन नाइन, नाइन के पावर टू तो 81, नाइन की पावर थ्री 729, इसका नाइन फिर से ये रिपीट कर रहा है, तो ये हर दो पे रिपीट कर रहा है। तो इसमें और कोई चीज से मतलब ही नहीं है, अगर जैसे कि कुछ भी हो ना फोर और नाइन का, तो जैसे कि 254 है, इसके पावर में कुछ भी हो, तो इससे हम लोगों ने बस टू से डिवाइड करके चेक करना है, टू से ही चेक करना है, जो टू से डिवाइड करना है क्योंकि ये दो पे रिपीट कर रहा है, तो बाई टू करना है, जो भी वैल्यू है ना उसे टू से डिवाइड करना है। तो इसमें ना बेसिक रूल है समझो, सबसे सिंपल कि आराम से, कि बस ये चेक करो कि वो इवन है या ऑड है, जो यहां पावर है, जो यहां भी पावर है ना, वो इवन है या ऑड है। अगर वो पावर अगर इवन है, अगर वो इवन है तो क्या होगा, तो ये टू के पावर, ये फोर के पावर टू है ना, ये वाला रूल होगा। जैसे कि यहां पे अगर इवन है, अगर इसके पावर में अगर इवन होता तो इसका आंसर में क्या होता, इसका यूनिट डिजिट तो सिक्स होता, सिक्स वो जो है कौन, मतलब फोर का स्क्वायर यानी कि सिक्स वाला। अगर वो ऑड है, ऑड है तो फोर के पावर वन वाला यानी कि फोर होता। तो ऑड में ये क्या है, तो इसमें हम लोग यहां पे लिख दो कि ये दोनों जो है किसके लिए है, ऑड, और ये दोनों जो है वो किसके लिए है, तो इवन। ये समझो ऑड इवन के लिए है, ये दोनों समझो अगर ऑड पावर है तो ऑड पावर के लिए ये दोनों है, इवन पावर है तो इवन पावर के लिए ये दोनों। ये हो गया समझो फोर और नाइन के लिए। अब बाकी बचे हुए डिजिट के लिए क्या है, तो फाइव के पावर कुछ भी हो तो फाइव ही रहेगा यूनिट डिजिट, सिक्स के पावर में कुछ भी हो तो सिक्स ही रहेगा, जीरो के पावर में कुछ भी हो तो जीरो ही रहेगा, वन के पावर में कुछ भी हो तो वन ही रहेगा। ये था समझो यूनिट डिजिट सॉल्व करने का रूल्स। अब इसके बेसिस पे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे हम लोग के पास ये है। तो जैसे कि ये है 413, 413 के पावर में 259 है, तो 413 के पावर में 259 यानी कि जो हम लोग यहाँ सॉल्व करें 413 है, इसके पावर में 259, तो 259 में हम लोग के पास 3 है, तो 3 के लिए क्या रूल था, 3 के लिए क्या था, 4 से डिवाइड करना था, तो 3 के लिए 4 से करना है यानी कि इसके पावर को 4 से करना है, रिमाइंडर चेक करना है। रिमाइंडर चेक करने के लिए बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है, लास्ट का दो डिजिट ही चेक कर लो, तो क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा 3, इसका रिमाइंडर 3 है यानी कि 3 के पावर में 3 का बात हो रहा है, 3 के पावर में 2 यानी कि 7, इसका रिमाइंडर, इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा 7, तो वही देखो यहाँ 7 है, इसका यूनिट डिजिट 7 आया। अब जैसे कि 7 है 727 के पावर में 796, 796 में क्या है, 727 के पावर में 796 जो है, तो ये 96 क्या है, ये 4 से डिविजिबल है, फोर से डिविजिबल है मतलब फोर मर लो, इसमें जीरो क्या होगा, इसमें तो जीरो के फॉर्म में आएगा, तो जीरो के फॉर्म में रिमाइंडर, जीरो रिमाइंडर आएगा, जीरो रिमाइंडर आएगा, तो क्या करना है, सेवन के पावर में अगर जब जीरो रिमाइंडर आ रहा है तो जीरो के लिए क्या कर रहे थे, सेवन का पावर फोर चेक कर रहे थे यानी कि वन, तो यही वन जो है हमारा यूनिट डिजिट हो गया, ये वन। अब ऐसे ही हम लोग के पास प्लस में क्या है, फोर नाइन, नाइन में क्या करना था, नाइन में देखो सिंपल सा रूल था कि नाइन में अगर ऑड हो रहा है तो नाइन होगा, इवन हो रहा है तो वन होगा, तो नाइन में ये क्या है, ये इवन है, इवन में क्या हो रहा है तो वन हो रहा है तो वन। फिर उसके बाद एट, फिर यहाँ पे एट है, एट के पावर में क्या है, यहाँ पे 471, तो 71 है यानी कि इसका जो होगा वो क्या होगा, थ्री के फॉर्म में, तो एट क्यूब के फॉर्म में, तो टू, तो टू है क्या, तो यहाँ पे टू आ गया है यूनिट डिजिट। तो इसी को बस सॉल्व करना है, इनटू था यहाँ पे, इसमें प्लस था, इसमें इनटू था, तो 7 × 1 प्लस 1 × 2, इसका वैल्यू क्या आ गया, 9, तो इसका वैल्यू जो है 9 यानी कि ये हमारा यूनिट डिजिट हो गया। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में भी था, इसका हम लोग सबका यूनिट डिजिट लिखे, अब उसके बाद इनको जब सॉल्व किए, इसको जब सॉल्व किए तो 6 × 4 = 24 प्लस 6 30, तो 30 आया, तो 30 यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा, 0, तो ये यूनिट डिजिट 0 हो गया। अब जैसे कि फैक्टोरियल है, ये क्वेश्चन समझो मोस्टली पूछा जाता है फैक्टोरियल पे भी समझो कभी कभी यूनिट डिजिट का, तो वो क्या है, जैसे कि 0 फैक्टोरियल है, तो 0 फैक्टोरियल यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस, अब डॉट 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 कुछ भी हो, डॉट 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 कुछ भी हो ना, तो मतलब ये बात याद रखो कि फैक्टोरियल में 1 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2, 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6, 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24, 5 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है 120, 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 720। अब उसके बाद जो है एक जीरो जब आ गया है उसके बाद हमेशा ये एक जीरो तो रहेगा ही, तो मतलब 5 फैक्टोरियल से लेके उसके बाद जितना भी वैल्यू है उसका लास्ट डिजिट जीरो ही होगा,
तो हम लोग को बस इस चार का देखना होता है, इस चार का देखना होता है, और यहां पे कभी अगर जीरो फैक्टोरियल भी पूछ दिया, जीरो फैक्टोरियल का भी वन होता है, बस इस पांच का मान ली। जीरो फैक्टोरियल का वैसे कभी पूछता नहीं है, तो मतलब तो इसमें बस इन चार का देखना होता है, तो इन चार का हम लोग बस देखेंगे। तो वही चीज हम लोग देख रहे हैं, जीरो फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट वन होगा। अब टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल यानी टू इंटू टू फोर। अब जो है ना फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल में क्या है, तो फोर फैक्टोरियल 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर में फोर का स्क्वायर क्या होगा, 16, यानी कि सिक्स इसका यूनिट डिजिट, सिक्स। अब बाकी उसके अलावा जितना भी होगा सब में जीरो होगा, लास्ट में एक जीरो तो होगा ही, तो इसीलिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो 6 + 4 = 10 और 11, 11 यानी कि यूनिट डिजिट वन, ये हो गया इसका। अब ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में देखो कि ये डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, तो अब जैसे कि है ना 5 फैक्टोरियल से ही जो है ना वो जीरो आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद अगर मल्टीप्लाई में है, अगर मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे, समझो कोई भी नंबर है, यहाँ 11 ही है, इसमें यूनिट डिजिट वन है, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा नंबर जिसमें लास्ट में जीरो हो, तो वो क्या हो जाएगा, 110, लास्ट में तो जीरो रहेगा ही, इसीलिए इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो। वही चीज हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, तो हम लोग के पास 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल, उसके बाद कोई भी हो, जैसे ही 5 फैक्टोरियल होता है, 5 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या है, जीरो, तो उसके बाद जितने भी नंबर है सबका यूनिट डिजिट जीरो ही होगा। तो हम लोग को बस चार का देखना होता है, फर्स्ट फोर का ये हम लोग जो यहाँ पे लिखे थे कि फर्स्ट फोर, ये जो चार है इन चार का हम लोग को देखना होता है, 1 2 6 4, तो 1 2 6 4 हम लोग यहाँ पे, तो क्या होगा इसका आंसर, तो 6 + 4 = 10 और 10 और 3 = 13, तो 13 का ये यूनिट डिजिट क्या होगा, 3। तो यूनिट डिजिट जो है हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। यूनिट डिजिट में हम लोग को बस ये जो रूल है ना, ये रूल हम लोग को मालूम होना चाहिए, यूनिट डिजिट में मोस्टली जो है ना इसी रूल पे क्वेश्चन आते हैं, तो यूनिट डिजिट का हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं।